एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टेक फोरम में। आज हम फिर एक और वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का रेड बटन आपके वीडियो के नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं SBI ने जो अपने कुछ नियम चेंज किए हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द देख लीजिए कि क्या नियम SBI ने चेंज किए हैं। मगर उससे पहले हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने अगर बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन को दबा लीजिए। इस तरह का बेल बटन आपके वीडियो के नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं आपको उस साइट पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, SBI ने अपने ग्राहकों के लिए 6 नियम बदले। पढ़ लें नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। बैंक ने 6 बड़े बदलाव किए। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा बदलाव बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया है। बैंक ने अपनी 1200 शाखाओं के कोड नाम और IFSC कोड बदल दिए हैं, जिनके बदले जाने के बाद अब पुराने कोड और नाम काम नहीं करेंगे। जिन शाखाओं में यह बदलाव हुआ है उनमें वो बैंक शाखाएं भी शामिल हैं जिनका हाल ही में विलय हुआ है। इसकी लिस्ट आप इस URL पर जाकर के देख सकते हैं। दिसंबर 2017 से स्टेट बैंक की एसोसिएट बैंकों सहित 6 बैंकों की चेकबुक अमान्य हो जाएंगी। SBI के मुताबिक इन बैंकों के कस्टमर 1 जनवरी 2018 से पहले पहले मोबाइल बैंकिंग के जरिए या ब्रांच में आकर के चेकबुक के लिए नई चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पुरानी बैंक थी जैसे हैदराबाद SBI है और भी जो जयपुर SBI इस नाम से थी, तो वो सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हो गई हैं। तो उनका चेकबुक भी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इशू होगा। तो जल्द से जल्द जो भी आपका चेकबुक था उसे चेंज करवा लीजिए, नहीं तो 1 जनवरी 2018 से काम नहीं करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर को 31 दिसंबर 2017 तक अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक कराना अनिवार्य है। जो कस्टमर ऐसा नहीं करते हैं उनका अकाउंट 1 जनवरी से बंद किया जा सकता है। यानी 1 जनवरी के बाद ये यूजर अपना अकाउंट से किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। तो आपका अकाउंट जैसे किसी भी बैंक में हो, अनदर यहाँ पर इन्होंने जैसे SBI के बारे में बात की है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि SBI आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आपका आधार अगर नहीं लगा है तो जल्द से जल्द अपना आधार लगवा लीजिए, नहीं तो 1 जनवरी से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, ना ही पैसा निकाल पाओगे ना ही डाल पाओगे। भारत सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाले सर्विस चार्ज को 80% तक कम कर दिया है। इमीडिएटली पेमेंट सर्विस IMPS के लिए 4 अलग-अलग स्लेब्स बनाए गए हैं। पहला 0 से 1,000 रुपये तक, दूसरा 1,001 रुपये से 10,000 रुपये तक, तीसरा 10,001 रुपये से 1,00,000 रुपये तक, चौथा 1,01,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक। पहले सिलेबस में किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं है। तो 1,000 तक अगर आप UPI से किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हो तो उस पर आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे सिलेबस में आप जैसे 1,001 रुपये से 10,001 रुपये तक, यानी 10,000 रुपये तक करते हो तो आपको 2 रुपये सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। और तीसरे सिलेबस में 10,001 रुपये से 1,00,000 रुपये तक अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 3 रुपये देना पड़ेगा। SBI अब आपको डेबिट कार्ड पर फोटो लगाने की सुविधा देने जा रहा है। अब इसके लिए ये काम करना होगा, आपको बैंक की SBI NTO UCH ब्रांच में अपना खाता खुलवाना
होगा। इस ब्रांच में खाता खोलने के बाद आपको इन शाखाओं पर कई सुविधा आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ लगे डीसीपी के कियोस्क से महज 5 मिनट में आप अपना फोटो वाला डेबिट कार्ड लग जाएगा। इस शाखा में जाकर आप एक ओके कियोस्क के जरिए मिनटों में अपना बैंक खाता खोल सकते हैं। अगर आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसा यहाँ पर लास्ट में एसबीआई ने ब्याज दर में कटौती करके सबसे सस्ते होम लोन लेकर आया है, बैंक ने लोन सस्ता कर दिया है, वहीं कई दरें एक नवंबर से लागू हो गई हैं। बैंक से पात्र वेतनभोगी ग्राहकों को 30 लाख तक के होम लोन पर 8.30% की दर से ब्याज मिलेगा। अन्य कर्जों पर ब्याज दरों में भी 0.05% तक की कटौती की गई है। एसबीआई के अधिकारी राकेश कंडवाल ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में आने वाले ग्राहकों को 2.67 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। वहीं बैंक ने आवास के लिए कर्ज पर अपनी ब्याज दर 0.05% घटाकर 8.30% कर दी है। बैंक ने ऑटो लोन की ब्याज दर को भी घटाकर 8.70% कर दिया है। तो ये जानकारी थी जो एसबीआई से रिलेटेड थी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।